Welcome to Pharmies, let's make it easy. This is Unit 5th, Chapter 3, Medical Termination of Pregnancy Act, which was regulated in 1971, I guess. हम आगे कन्फर्म कर लेंगे. तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर करवा दूँ. पहली बात, बिना RMP, जो रजिस्टर्ड मैनुफैक्चरर प्रैक्टिसर होता है वो, उनके बिना ये मेडिसिन कोई नहीं बेच सकता. अंडर प्रिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो एज अ फार्मासिस्ट, पर आप किसी को बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे नहीं सकते हो टर्मिनेशन करने के लिए. फर्स्ट थिंग ये क्लियर हो गया. सेकंड थिंग क्या है, दो RMP चाहिए होते हैं डिस्क्रिप्शन और अप्रूवल करने के लिए कि हाँ चलो हम इसको MTP अब दे देते हैं, पर दो RMP होने चाहिए वहाँ पे डिसीजन मेकिंग करते वक्त. थर्ड, कोई भी एक इल वुमेन है या फिर मेनियक है, पागल सी है, ठीक है, या फिर बिलो द 18 ईयर्स ओल्ड है बिलो, क्योंकि बॉडी उसकी कंपेटेबल नहीं है एक बेबी बॉर्न करने के लिए अकॉर्डिंग टू इंडियन रूल, तो उस सिनेरियो में टर्मिनेशन किट दे सकते हैं. ठीक है, अब कन्फर्मेशन फॉर योर नॉलेज मैं कन्फर्म कर दूँ कि अगर एक फीमेल 18 ईयर के बिलो है तो एज अ गार्जियन 1% की नीड होगी. अब गार्जियन कौन हो सकता है, देयर क्लोज फैमिली लाइक मदर, फादर, ससुर, सास, आई मीन फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, एंड इट कुड बी हर हस्बैंड. ओके, सो अ गार्जियन इज वेरी नीडेड, गार्जियन की नीड जरूर होगी अगर बिलो है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 18 ईयर्स बिलो है तो कॉमन सेंस हस्बैंड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ तो होंगे ही नहीं. ठीक है, आई एम रियली सॉरी, आई फॉरगेट दैट थिंग. सो एज अ कॉमन थिंग कि गार्जियन की नीड होगी. अब आपके पास एक फॉर्म दिया जाएगा, अगर फीमेल जो है वो 18 के बिलो है तो उसके गार्जियन उसमें साइन करेंगे, और अगर फीमेल 18 ईयर अबव है तो फीमेल ही साइन करेगी और कोई साइन नहीं करेगा. आई गेस ये क्लियर हो गया होगा आपको. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सॉरी, फर्स्ट प्रोविज़न 1860. पहला प्रोविज़न कब आया था, 1860 पे आया था. अंडर द प्रोविज़न इट वॉज डीम्ड to be a crime for mother as well as for person doing this except done for safe mother life. इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि ये करना कानूनी अपराध है. ठीक है, अगर वो अलग बात है अगर ये मदर को सेफ करने के लिए करा जा रहा है. ठीक है, टर्मिनेशन मदर की लाइफ थ्रेटन है तो उस सिचुएशन में अगर उसको बचाने के लिए करा जा रहा है तो वो लॉ उसको सपोर्ट करता है, अन्यथा ये एक क्राइम है. प्रोविज़न, फर्स्ट प्रोविज़न में बोला गया था 1816 में. ओके, फिर आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रिफर एज द इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन. द इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन मे बी लीगल एंड इलीगल. ये लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है, डिपेंड्स इन द सिचुएशन. द इंडियन अबॉर्शन लॉ फॉल्स अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि MTP एक्ट के अंदर लागू होता है इंडियन अबॉर्शन वाला लॉ, which was enacted by the Indian Parliament in the year 1971 में. जो कि enact मतलब कब लिया गया था, enact करा गया था, मतलब acted है ना, enacted करा गया था, मतलब ये act कब आया था, 1971 पे आया था. With the intention of reducing the incidence of illegal abortions and consequent maternal mortality and morbidity. ठीक है, किस intention से आया था, ताकि illegal abortion बंद हो और जो मदर की maternal mortality rate होता है ना, mortality आई सिर्फ ये लो सिर्फ रोकने के लिए नहीं लाया गया था, बल्कि कुछ अच्छे चीज़ के लिए भी लाया गया था. क्यों, अब जानते हैं इस लाइन का मतलब. मॉर्टिलिटी मतलब होता है रेट ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर सिनेरियो, मतलब एक समय में कितनी हत्या हो रही है, भ्रूण हत्या कह सकते हो आप, दिस इज कॉल्ड मॉर्टिलिटी. और मॉर्बिडिटी क्या है, सपोज करो कि कई जो फीमेल्स थी वो डिजीज से सफ़र कर रही थी, अब बिकॉज वो डिजीज से सफ़र कर रही हैं और साथ ही साथ वो प्रेगनेंट है, दैट्स वाई जो बेबी पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, साथ ही साथ वुमेन जो है फीमेल है उनके बॉडी एंड ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, जिस वजह से कुछ सिनेरियोज में वो टर्मिनेशन कर सकती हैं. इस लॉ का ये भी मतलब था. तो ये लॉ कब आया, द एमटीपी एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 1 अप्रैल 1971, यानी कि 1 अप्रैल 1971 पे ये आया था, और फिर चेंजेस हुए उसमें कुछ, यानी कि अपडेट हुआ वो चेंज होने के बाद इन 1975, और साथ ही साथ कुछ अमेंडेड भी हुए थे हमारे 2002 पे. तो यहाँ पे दे रखा है एक्ट पास हुआ था 1971 पे, रूल पास हुआ था उसका 1975 आफ्टर अमेंडमेंट, देन रेगुलेशन पास कब हुआ बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये कब हुआ था, ये वाला वर्ड हमारा एथिक्स में भी आ रखा है 2003 पे, और कुछ अमेंडमेंट्स कब हुए थे हमारे 1975 और 2002 में. ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसको लाने का, फर्स्ट क्या था, इम्प्रूव करना फीमेल की हेल्थ को, कौन से सिनेरियो क्या क्या प्रिवेंट करके, क्या क्या बचा के, मतलब प्रिवेंट कर सकते थे हम, लाइक लार्ज नंबर ऑफ अनसेफ अबॉर्शंस एंड कंसिक्वेंट हाई इंसिडेंस ऑफ मैटरनल मॉर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी. सेम चीज़ है जो कि हेल्दी
हेल्दी बेबी बॉर्न हो सकते थे फिर भी उसको उनको गिरा दिया गया, उस चीज़ों को हम कम कर सकते थे इस लॉ से। साथ ही साथ भ्रूण हत्या को भी कम कर सकते थे और मॉर्बिडिटी को भी हम ना मतलब कम नहीं लाइक सिनेरियो में ला सकते थे। ये एम था। सेकेंड एम क्या था? लीगलाइज अबॉर्शन सर्विसेज। पहले बहुत ही डरा के ये रखा जाता था कि यहाँ चले जाओगे आपको जेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ताकि अवेयरनेस हो कि ये कुछ सिनेरियोज में ठीक भी है फॉर द हेल्थ एंड बॉडी फॉर द फीमेल और अंडर सम सिनेरियोज तो ये कुछ है ठीक है ये भी। तो ये लॉ लाना बहुत नेसेसरी था ताकि बहुत सारा पैसा कोई भी बंदा आपसे कमा ना पाए इलीगली वे पे डरा के आपको। तो लीगलाइज करा गया अबॉर्शन सर्विस को। हाँ ठीक है। थर्ड क्या था? प्रमोट एक्सेस टू सेफ अबॉर्शन सर्विसेज फॉर द टू द वुमेन। इसका मतलब क्या है? सेफ सर्विस प्रोवाइड कराया जा सके और प्रमोट करा जा सके, एक्सेस मिल पाए फीमेल पब्लिक को फॉर द सेफ अबॉर्शन सर्विस। फोर्थ पॉइंट, ऑफर प्रोटेक्शन टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर हुज अदरवाइज वुड बी पिनलाइज्ड अंडर द इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड एक लॉ है ठीक है, ये एक स्टैचू है लॉ का। इसमें क्या होता है? सजा दी जाती है ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट में मैंने बताया था। तो इसमें अगर कोई भी प्रैक्टिशनर कुछ ऐसा कुछ करता है ठीक है तो उसको सजा दिया जाए, लाइक ज़्यादा पैसा ले रहा है या फिर इलीगली टर्मिनेशन कर रहा है तो उन सबको सजा दिया जाए अकॉर्डिंग टू द इंडियन पिनल कोड। प्रोविज़न क्या है? प्रोविज़न टू द एक्ट। फर्स्ट कंडीशन, अगर कंडीशन ऑफ एबॉर्शन एग्जेम्प्टेड अंडर एक्ट, क्या क्या छूट है एबॉर्शन करने के लिए। फर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट, एक मानवतापूर्वक एस्पेक्ट देखा जाए। फर्स्ट प्रेगनेंसी अराइज ड्यू टू द सेक्स क्राइम इंटरकोर्स विद ल्यूनेटिक वुमेन। ल्यूनेटिक इन द सेंस दे वॉन्ट टू से दैट फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल इशूज, लाइक पागल भी कह सकते हो आप, या फिर चाइल्डिश बिहेवियर या फिर एग्रेसिव बिहेवियर एंड समथिंग लाइक दैट। तो उस तरह के सिचुएशन में एंड क्राइम रेप इन तरह के सिचुएशंस पे ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो इस सिचुएशन में हम अबॉर्शन कर सकते हैं, हम नहीं इन द सेंस आरएमपी। सेकंड हेल्थ एस्पेक्ट से देखा जाए, सपोज देर इज सम फीमेल विच इज नॉट विच देयर बॉडी इज नॉट कैपेबल फॉर होल्डिंग अ बेबी और गिविंग अ बर्थ टू अ बेबी, तो उस सिनेरियो में क्या करा जाए? प्रेगनेंसी गिव राइज टू अ लाइफ फिजिकल और मेंटल हेल्थ बिगाड़ सकता है उन फीमेल का ठीक है, वुमेन का। तो हेल्थ एस्पेक्ट से भी देखा जाना चाहिए, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है जैसा होना चाहिए तो उस सिचुएशन में हम टर्मिनेशन को कर सकते हैं। थर्ड यूजेनिक एस्पेक्ट ठीक है, यूजेनिक क्या होता है? वेयर चाइल्ड टू बी बॉर्न इज लाइकली टू हैव डिफॉर्मिलिटीज और इट्स सीरियस डिफेक्ट। यूजेनिक इसका मतलब क्या है? यूजेनिक ट्रू जीन्स अगर ना हो, ट्रू जीन ना हो, ट्रू जीन मतलब सपोज करो एक हेल्दी बेबी बॉर्न ना हो रहा हो, पेट में हमें पता चल जाए कि देर इज सम डिफॉर्मिलिटीज लाइक ही इज हैंडीकैप्ड और ही इज नॉट डेवलपिंग हिज ब्रेन एज द नॉर्मल वन, तो इस सिनेरियोज में हम टर्मिनेशन की आज्ञा दे सकते हैं लाइक आरएमपी ठीक है ना। आरएमपी के एस्पेक्ट से ही पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप नहीं दे सकते हो एज अ फार्मासिस्ट। फिर क्या है? द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट प्रोवाइड दैट द प्रेगनेंसी ऑफ द वुमेन मे बी टर्मिनेटेड बाय आरएमपी अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। क्या क्या सर्कमस्टांसेस है वो हम देखते हैं। प्रेगनेंसीज ऑफ द वुमेन 18 ईयर्स ऑफ एज और मोर वैन देयर कंसेंट और इन केस ऑफ वुमेन हु आर लेस देन 18 ईयर्स ऑफ द एज और आर ल्यूनेटिक विद द रिटन कंसेंट ऑफ देयर गार्जियन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर एज है वुमेन की 18 प्लस तो फॉर्म में उनके ही साइन होंगे, और अगर 18 बिलो है या फिर सिचुएशन ऐसा है कि वो जो फीमेल है वो लुनेटिक है मतलब पागल है, एक कहना तो नहीं चाहिए लाइक सफरिंग फ्रॉम अ ब्रेन डिजीज, तो उस सिचुएशन में उनके गार्जियन साइन करेंगे ठीक है। कंसेंट मतलब ये है द प्रेगनेंसी विच इज़ नॉट मोर देन 12 वीक ओल्ड एंड द मेडिकल प्रैक्टिशनर इज ऑफ द ओपिनियन फ्रॉम अ गुड फेथ एंड इट्स कॉन्टियंस इज अ ग्रेव डेंजर टू द लाइफ ऑफ अ वूमेन और टू हर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ और द चाइल्ड टू बी बॉर्न वुड बी सीरियसली हैंडीकैप्ड ड्यू टू द फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी। सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे क्या देखा है? टाइम पीरियड होता है जब आप टर्मिनेशन कर सकते होते, इज एन टाइम पीरियड विच इज़ लीगली द प्रैक्टिशनल कॉल्ड बिलो द 2 मंथ मतलब 2 महीने से के अंदर अंदर। वैसे तो 12 वीक 2 महीने नहीं बोलेंगे, 2 महीने या 2.5 महीने बोल सकते हैं, लाइक कुछ कुछ 3 महीने भी बोल देते हैं, पर एक पेपर में लिखना चाहो तो 12 वीक ले सकते हो। ये होता है पिल्स में काम चल जाते हैं, मतलब ज़्यादातर इतने वीक्स में है ना टैबलेट से कंट्रोल करा जा सकता है। उसके बाद वैसे कहीं ना कहीं लिखा होगा 20 वीक्स भी लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है? इसमें भी कर सकते हैं, मतलब 5 महीने से पहले भी टर्मिनेशन कर सकते हैं 5 महीने तक, पर उसमें आपका टैबलेट मुश्किल ही वर्क करता है, फिर वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह का यूज़ कर जाता है, वो चीज़ अलग है, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर गुड फेथ से कर रहा है वो चीज़ तो सही है, और कोई डेंजर है वुमेन को लाइक फिजिकल ठीक है, वुमेन को डेंजर है वुमेन के लाइफ को, लाइक आपने मूवीज़ में दिखा होगा वी कैन सेव ओनली योर चाइल्ड और योर वाइफ चॉइस इज योर्स, तो ये सिचुएशन आ जाती है कई बार मूवीज में आपने देखा होगा, तो उस तरह की सिचुएशन में भी आप टर्मिनेशन कर सकते हो। एंड लाइक वुमेन के फिजिकल या मेंटल हेल्थ पर कोई फर्क पड़ रहा है तभी आप टर्मिनेशन कर सकते हो, या फिर चाइल्ड जो बॉर्न हो रहा है लाइक डेवलप हो रहा है वुम में जो डेवलप हो रहा है और वो हैंडीकैप्ड है या फिर कोई उसमें अबनॉर्मलिटीज है फिजिकल या मेंटल, तो भी आप टर्मिनेशन की तरफ जा सकते हो। चॉइस फिर पेरेंट्स के हाथ में होता है।
द प्रेगनेंसी विच इज मोर देन 12 वीक बट नॉट मोर देन 20 वीक्स यानी कि 5 मंथ्स ओल्ड प्रोवाइडेड दैट नॉट लेस देन 2 रजिस्टर्ड मतलब जो डिसीजन लेंगे कि आप करवा सकते हो नहीं करवा सकते हो ठीक है वो दो रजिस्टर RMP होंगे जो आपके सामने बैठे होंगे आप उनको अपना वो दोगे जो भी आपके दलीलें हैं लाइक आप अपने बताओगे कि हमें क्या प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से सुन के और कंडीशन को चेक करके वो लोग अप्रूवल देंगे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो वो अपने ओपिनियन बनाएंगे अ प्रेगनेंसी ऑफ एनी ड्यूरेशन प्रोवाइड दैट द मेडिकल प्रैक्टिशनर इज ऑफ ओपिनियन दैट सच टर्मिनेशन इज इमीडिएटली नेसेसरी टू सेव द लाइफ ऑफ द प्रेगनेंट वुमेन ठीक है तो ये भी वही है इमिजिएटली भी नेसेसरी होता है कई बार करना द प्रेगनेंसी इज एलीज टू बी हैव कॉज ड्यू टू रेप और ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज यूज बाय द वुमेन और हर हस्बैंड टू फैमिली प्लानिंग पर्पज लाइक कई बार ऐसा होता है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज होते हैं वो भी कई बार फेल हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में भी आप टर्मिनेशन का अप्रूवल आपको मिल सकता है ठीक है तो ये कुछ सिचुएशन है जिसका मिसयूज़ होता है अभी भी टाइम पे तो हर लॉ में कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं पर आई गेस ये जितने भी अटैम्प्ट थे वो काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट करा गया है एक लॉ को एक अंडर द बाउंड्रीज रखने के लिए फिर क्या हो सकता है फिर दोबारा से डेफिनेशन पढ़ते हैं पर ये डेफिनेशन किसके एक्सपेक्ट से होगा जब आप जाते हो अप्रूवल लेने के लिए तो उस क्या कहते हैं उसे एक्सपेक्ट से देखा जाएगा ठीक है ना उस नज़रिए से देखा जाएगा फर्स्ट गार्जियन कौन होता है मींस अ पर्सन हैविंग अ केयर ऑफ अ माइनर जो भी पेशेंट है उनका जो केयर करता है डिपेंड नहीं करता वो कौन भी है ज़्यादातर क्लोज माने जाते हैं लाइक योर फादर मदर योर हस्बैंड योर फादर इन लॉ योर मदर इन लॉ एंड सो ऑन अगर ये नहीं है तो कोई भी आपका क्लोज रिलेटिव या फिर मे बी फ्रेंड्स हो सकते हैं अगर क्लोज रिलेटिव नहीं है तो उस सिचुएशन में ठीक है तो उस सिचुएशन में गार्जियन की नीड होती है लाइक वो 18 बिलो भी हो सकती है वो पेशेंट या फिर मेंटली इल है तो उस सिचुएशन में गार्जियन की नीड होती है सेकंड RMP कौन होता है अकॉर्डिंग हाँ ये देखो RMP कब माना जाएगा कि वो RMP है अगर मैं क्या पता फार्मासिस्ट बन जाऊँ क्या मैं RMP कहलाऊंगा नहीं मींस दैट द अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हु पोजेस अ रिकॉग्नाइज मेडिकल क्वालिफिकेशन एंड सो ऑन इतने यहाँ पे बहुत सारे चीज लिखे हुए सपोज करूँ शॉर्ट में बताता हूँ अकॉर्डिंग टू द IMCA यानी कि जैसे IM मैं एक CA हूँ ऐसे याद कर सकते हो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट ये आया था 1956 में ठीक है अंडर सेक्शन 2 अगर उसके अप्रूवल आपको रजिस्टर्ड माना गया है तो आप एक RMP हो whose name has been entered in a state medical register and who has such experience or training in gynecology basically यहाँ पे gynecologist के बारे में बात हो रहा है ठीक है ये कहलाता है आपका RMP हाँ एक और चीज़ आप कैसे याद कर सकते हो जो ये लॉ है मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट है जो कब आया था सिंपल सी बात है टैबलेट आती है मार्केट में अनवांटेड 72 तो 72 से आप याद कर सकते हो 71 एंड 72 सम अराउंड दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दैट ईयर ऑन विच दैट एक्ट वॉज पास्ड ओके लुनेटिक क्या होता है लुनेटिक अ पर्सन हु इज मेंटली इल एंड इट हैज़ द मीनिंग असाइंड टू इट इन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन लुनेसी एक्ट एक इंडियन लुनेसी एक्ट है इसको अभी फिलहाल पढ़ना नहीं आप पढ़ सकते हो एज अ नॉलेज उसी सेक्शन 3 में कहा गया है कोई भी पर्सन जो मेंटली इल है या उसको इट हैज़ अ मीनिंग असाइंड टू इट अंडर सेक्शन 3 ठीक है ना उसको हम लुनेटिक पर्सन कह सकते हैं उसको भी चेक करते हैं बहुत सारे ब्रांच है लुनेटिक ब्रांच होते हैं कुछ डॉक्टर होते हैं वो कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ इज दैट पर्सन इज एन लुनेटिक और नॉट अंडर सम एग्जामिनेशन अप्रूव्ड प्लेस क्या होता है इट इज मीन द प्लेस अप्रूव्ड अंडर रूल 4 ठीक है अंडर रूल 4 ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल सिंपल सी बात है अगर आप एक दुकान खोलना चाहते हो मेडिसिन का तो उसके लिए अलग से रूल है और परमिशन लेना पड़ता है ऐसे ही अप्रूव प्लेसेस फॉर द टर्मिनेशन होता है हर जगह बहुत सारे नहीं हो सकते एकदम क्या कहते हैं उसे अप्रूवल लेना पड़ता है ठीक है ना अंडर द रूल 4 जो लिखा हुआ है उसमें वो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है उसके बाद अप्रूवल मिलता है प्लेस खोलने के लिए फॉर द टर्मिनेशन एक्ट ठीक है ये आपका अप्रूव प्लेस होते हैं माइनर क्या होता है मींस अ पर्सन इंडियन मेजोरिटी एक्ट एक लॉ है ठीक है ना एक्ट है मतलब आई मीन इट इज डीम्ड नॉट टू हैव अटेंडेड मेजोरिटी मतलब पहचानने के लिए कि ये बंदा माइनर है या मेजोरिटी एज का है या माइनर एज का है बिलो द 18 और अबव द 18 ठीक है तो उस सिचुएशन में फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं इसके पावर टू मेक रूल द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक रूल कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग और बोथ क्या है पावर टू मेक रूल मतलब क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बना सकती है एक नया रूल टू कैरी आउट अ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द एक्सपीरियंस के लिए मतलब सपोज करो कोई पर्सन है बिना एक्सपीरियंस के सब कर रहा है तो गलत है तो ये पावर होता है उनके पास कि ये प्रोवाइड करवा सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपीरियंस एंड द ट्रेनिंग ऑफ या फिर दोनों बोथ ठीक है ना पावर ऑफ मेक रेगुलेशन द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक रेगुलेशन टू प्रोवाइड फॉर द टेकिंग ऑफ ओपिनियन एंड सर्टिफिकेशन बाय द RMP फॉर्म क्या होता है प्रेगनेंसी टर्मिनेशन कंसेंट शैल बी गिवन इन द फॉर्म सी एवरी RMP टर्मिनेट प्रेगनेंसी शुड सर्टिफाई सच टर्मिनेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड इन फॉर्म 1 विद इन 3 आवर्स ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी ठीक है एक फॉर्म सी होता है उसके अंदर जो फॉर्म 1 होता है ना
तो टर्मिनेशन के करने के 3 घंटे बाद तक उसमें सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ती है उस वाले फॉर्म में विद इन 3 आवर्स उसके अंदर अंदर। तो बस ये है कि कुछ प्रोसीजर्स हैं वाइल डूइंग टर्मिनेशन टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसीज कैसे करते हैं, ठीक है ना। प्रोसीजर क्या है लीगली, द लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी नॉट एक्सीड 12 वीक, ठीक है ना, 12 वीक से ज़्यादा ना हो। हाँ, कुछ सिनेरियोस है जिसमें 20 वीक्स भी ले सकते हैं। द आरएफ क्यों, अब ये क्यों है, बिकॉज इन द 3rd मंथ द बेबी स्टार्ट डेवलपिंग हिज हर्ट, आपने पढ़ा होगा एचएपी में। अब बिकॉज ही हैज़ कॉन्सिस्टेंस दस इट इज इंक्लूड अंडर द ऑर्गेनिज्म एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैव लाइफ सोल एंड इमोशंस, दैट्स वाई दे इट विल देन आफ्टर इट विल कॉल्ड एज वॉट इट विल कॉल्ड, इट विल कॉल्ड क्राइम लाइक यू आर किलिंग समवन, ठीक है। दैट्स वाई की टाइम पीरियड बनाया गया है 12 वीक, यानी कि 2.5 मंथ के अराउंड। द आर एम पी में टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी वेयर इफ इट इज मोर देन 12 वीक बट नॉट मोर देन 20 वीक, तो टर्मिनेट तब भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर नीड टू बी देयर, वहाँ पर होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। तो देखो क्या है, आर एम पी में टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमेन ऑफ 18 ईयर ऑफ एज और मोर विथ हर रिटर्न कंसेंट, मतलब कि अगर वो अप्रूवल देती है, अगर वो 18 साल की है, 18 साल से ज़्यादा है, अप्रूवल देती है, तो आरएमपी टर्मिनेट कर सकता है। पर सपोज द फीमेल या फिर गर्ल विच इज़ बिलो द 18 ईयर एज और इट इज और एक भी सिचुएशन हो जाता है कि 18 एज के ऊपर भी है बट शी इज़ एन लुनेटिक एज डिफाइंड एज द लुनेटिक 1972 विथ रिटर्न कंसेंट ऑफ हर गार्जियन, तो गार्जियन का रिटर्न कंसेंट का नीड होगा। एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन डूइंग एबॉर्शन, मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट नॉट लेस देन 3 ईयर of experience in the gynecology and means the person who is doing the termination उसके पास कम से कम 3 साल का experience होना चाहिए in gynecology and the obstetric। obstetric मतलब क्या होता है, anything any medical practice with the pregnant lady, ठीक है ना, basically layman language में यही है obstetrics, ठीक है ना, obstetric। second medical practitioners रजिस्टर्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, मतलब वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब वो कैसा रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसने कम से कम 6 महीने का हाउस सर्जरी इन गायनकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक कर रखा हो, ठीक है, कम से कम 6 महीने की उसने ट्रेनिंग कर रखा होगा सर्जरी में। ही या शी एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 साल का हॉस्पिटल का प्रैक्टिस होगा उसे, कहाँ, इस डिपार्टमेंट में, गायनकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट में। और ही इज असिस्टेंट, मतलब किसी असिस्टेंट रहा होगा या रही होगी अंडर द सर्टिफाइड रजिस्टर्ड आरएमपी इन द परफॉर्मेंस प्रेगनेंसी ऑफ 25 केसेस कम से कम उसने एक्सपीरियंस करे होंगे लाइक अपने पूरे लाइफ में ऑफ अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इन द हॉस्पिटल बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी हो सकता है एंड चल जाता है प्राइवेट सेक्टर से भी। होल्ड पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर और डिप्लोमा इन प्रेगनेंसी इन गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक, ये कम से कम 1 डिग्री उसके पास होना चाहिए, या फिर सेम थिंग है यहाँ पे लिखा पड़ा है, आप देख सकते हो सेम थिंग है। फिर ये थे कुछ रूल्स, अगर आप नहीं ना सेम कोई भी पर्सन एक टर्मिनेशन कर रहा है तो ये सब चीज़ होना चाहिए उसके पास। कहाँ पे कर सकते हैं हम टर्मिनेशन, सेम थिंग है वहाँ, बस ये डिटेल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर सकते हैं, ठीक है। प्लेस अप्रूव फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट, ये क्या हो गया भाई, सेफ एंड हाइजीन होना चाहिए और रेगुलेटेड होना चाहिए, जो भी संविधान में लिखा होना चाहिए उस तरह का प्लेस होना चाहिए, सिंपल सा वे, क्योंकि हाइजीनिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सर्जरी और ट्रीटमेंट और समथिंग। अप्रूवल ऑफ द प्लेसेस, कैसे अप्रूवल मिल सकता है या फिर मिलता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी कैन बी डन बाय आरएमपी, हमें पता है इस बार पढ़ चुके हैं, ओनली एट एन अप्रूव प्लेस कर सकते हैं वहाँ पे अप्रूव प्लेस में। द एप्लीकेशन ऑफ द अप्रूवल फॉर द प्लेस इज एड्रेस टू द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हु शैल वेरीफाई एंड इंस्पेक्ट, हम लेटर लिखेंगे चीफ मेडिकल ऑफिसर को और वो आके वेरीफाई करेगा। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, 4 साइट 12 वीक, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो सपोज करो, ठीक है ना, लाइक थर्ड अंडर द बिटवीन इन द फर्स्ट एंड 3 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। गायनोकोलॉजी एग्जामिनेशन या फिर लेबर टेबल होगा एक, ठीक है ना, स्टेलाइजेशन इक्विपमेंट, जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे वो अक्यूब करा जाएगा उसको, मतलब देखा जाएगा कि वो स्टेलाइज है या नहीं, सारे इक्विपमेंट्स होंगे वो स्टेलाइज होंगे, ठीक है। गायनोकोलॉजी का एग्जामिनेशन होगा, स्टेलाइज इक्विपमेंट होंगे, ड्रग एंड पेरेंटल फ्रूट्स को रखा जाएगा ताकि इन सीवियर कंडीशन हम जल्दी से दे सके और उसके बाद भी दे सके। बैकअप फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द शॉक, ठीक है, लाइक कई बार होता है कि स्कोमा में चले जाते हैं एंड अदर सम इंसिडेंट्स लाइक दैट, तो एक बैकअप फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। फिर फैसिलिटीज़ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, सपोज आपने एक छोटे जगह पे कस्बे पे ही मतलब रेगुलेटेड वे में खोल रखा है पर आपसे कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो आपके पास एक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि आप ट्रांसफर कर पाओ एक बड़ी जगह जहाँ पे इस कंडीशन को ठीक करा जा सके जो आपकी वजह से गलती से वो अकर हो गया, ठीक है। एंड इफ़ यू आर कन्फ्यूज अबाउट द लेबर टेबल, इट इज़ कॉल्ड लेबर टेबल, दिस इज नॉट लेबर, इट्स लेबर टेबल LABOR विच इज़ डिफाइंड एज द वुमेन वैन लेबर का टाइम आ जाता है ना, लाइक आफ्टर द 9th मंथ। लेबर मीन्स होता है कि टू एक्सिट, टू एक्सपेल आउट, दिस इज कॉल्ड लेबर, ठीक है।
तो ये होता है लेबर टेबल। एंड सपोज करो कि 20 वीक के अंदर है वो फीमेल लेडी, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर विच मीन विच इज अराउंड वन बिटवीन 3 to 6 months, सेम रिक्वायरमेंट होगा जो भी ऊपर लिखा हुआ है। साथ ही साथ ऑपरेशन टेबल होना चाहिए, ठीक है, ऑपरेशन टेबल होना इज़ वेरी नेसेसरी। ओके, फॉर परफॉर्मिंग एब्डोमिनल लाइक कोई भी सर्जरी है, गायनकोलॉजिकल सर्जरी है, एब्डोमिनल रिलेटेड लाइक निकालेंगे ना वुम से जो इतनी भी मटेरियल है जो डिग्रेडेड ही सही पर उसको निकालेंगे ना, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट टेबल होना चाहिए आपके पास, ड्रग होना चाहिए, पेरेंटल फ्लूड होना चाहिए ताकि कमजोरी ना आ जाए, एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक इक्विपमेंट होना चाहिए लाइक भौंसक की दवा होनी चाहिए, रिसक्शंस इक्विपमेंट क्या होता है जो सांस देते हैं ना जिसके से उसको रिसक्शंस इक्विपमेंट कहते हैं, और स्टिलाइज इक्विपमेंट होना चाहिए सेम जो ऊपर बोला गया था। रेगुलेटरी बॉडी हु अप्रूव द प्रेगनेंसी टर्मिनेशन प्लेस, कौन अप्रूवल देता है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल एमटीपी कमेटी, कमेटी होती है जैसे कि यहाँ पे चीफ मेडिकल है ना वहीं से रिलेटेड है, डिस्ट्रिक्ट लेवल एमटीपी कमेटी होता है, मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 5 मेंबर के होते हैं और चेयरमैन के अंदर होता है, ठीक है ना, सीएमओ जिसे हम लोग कहते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ द कमेटी कैसे बनता है, ये कमेटी वन उनमें से एक होना चाहिए, गायनेकोलॉजी सर्जन या एनेस्थेटिक कोई भी एक हो सकता है इनमें से, लाइक इनकी पढ़ाई हो, इनका नॉलेज हो उसके पास, वन मेंबर फ्रॉम लोकल मेडिकल प्रोफेशंस लाइक एनजीओ, पंचायत राज, इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, वहाँ से एक पर्सन हो, थर्ड एटलीस्ट वन मेंबर शैल बी वुमन, उनमें से जो ये भी है ना क्राइटेरिया उनमें से कम एक पर्सन लड़की होनी चाहिए, ताकि जब भी जब उसके पास जाएंगे तो एक वुमेन होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। अप्रूवल ऑफ द प्लेस कैसे अप्रूवल दे सकते हैं, हॉस्पिटल सेंड एप्लीकेशन फॉर द अप्रूवल ऑफ द प्लेस, ठीक है, हॉस्पिटल सेंड करती है प्लेस को अप्रूवल करवाने के लिए, तो उसमें फॉर्म ए भरा जाता है, क्या भरा जाता है, फॉर्म ए, फॉर्म सी का भरा जा रहा है जब हम करने वाले हो, ठीक है, ये फॉर्म ए भरा जा रहा है फॉर द अप्रूवल, देखो ए ए ए, ठीक है ना, इस कॉल्ड फॉर्म ए, टू एड्रेस टू सी एम एच ओ बाय प्लेसिंग सीकिंग अप्रूवल के लिए हम भेजते हैं, ठीक है ना, सी एम एच ओ क्या है, यही है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल के सी एम या फिर सी एम हेड ऑफिस, ठीक है ना, वेरीफाई और इंस्पेक्ट द प्लेस, वो आएंगे वो चेक करेंगे, अगर सेटिस्फाई होगा तो डन कर देंगे, और हाइजीन वगैरह सब कुछ कंडीशन सब कुछ चेक करते हैं, और चीफ मिनिस्टर जो है, सॉरी क्या थे, कहाँ गया, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है ना, चीफ मेडिकल ऑफिसर रिकमांड करेंगे अप्रूवल टू द कमेटी, अप्रूवल करने के लिए उसको रिकमांड करेंगे, अगर सब सिचुएशन सही रहा, अंडर कंडीशन रहा, तो अप्रूवल दे देंगे, वरना नहीं देंगे। कमेटी कंसीडर एप्लीकेशन रिकमेंडेशन एंड अप्रूवल एंड इशू सर्टिफाइड टू अप्रूवल इन फॉर्म बी, ठीक है ना, अगर कोई भी रिकमेंडेशन हो गया कंसीडर, ठीक है ना, तो और या फिर अप्रूवल हो गया, कोई भी इशूज रहा तो वो फॉर्म बी भर के देंगे, एंड प्लेस टू बी इंस्पेक्टेड विद इन 2 months ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन, तो दोबारा से अंडर इंस्पेक्शन जाएगा वो चीज़, जब मिल भी जाएगा ना उनको सर्टिफिकेट या, तो उसके बाद भी अंडर क्या कहते हैं उसे, इंस्पेक्शन जाएगा वो जगह, सर्टिफाइड टू बी इशूड विद इन 2 months ऑफ द इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के 2 महीने के बाद आपको सर्टिफाइड एक RMP सर्टिफाइड कहलाओगे, वहाँ पे आप एक प्लेस खोल सकते हो फॉर द टर्मिनेशन पर्पसेस। ये था हमारा अप्रूवल ऑफ द प्लेस। फिर है हमारा एडमिशन, कितने पेज रह गए, लास्ट पेज रह गया, तो ये क्या है, एडमिशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर्ड। सपोज करो अ फीमेल केम टू यू एंड दे आस्क फॉर द टर्मिनेशन, और सब कुछ क्राइटेरिया फुलफिल रहा, तो एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है आपको, ताकि सारा रिकॉर्ड लिखा जा सके कि पर्सन कौन था, कहाँ से आया था, कैसे हुआ, एंड ऑल द प्रोसीजर बिलोंगिंग टू हर एंड द प्रोसीजर वे। एवरी हेड ऑफ द हॉस्पिटल और ऑनर ऑफ द अप्रूव्ड प्लेस शैल मेंटेन अ रजिस्टर, रजिस्टर मेंटेन करके रखना होगा फॉर रिकॉर्डिंग द एडमिशन ऑफ द वुमेन, कब एडमिट हुई वुमेन फॉर द टर्मिनेशन फॉर द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मतलब जो टर्मिनेशन करने के लिए कब एडमिट हुई हो। कीप इन सेफ कस्टडी बाय द ओनर ऑफ द हॉस्पिटल, वो एक सेफ जगह पे होना चाहिए, यानी कि किसी के भी हाथ पे चला सकता है तो मैनिपुलेट हो सकता है वो चीज़, ठीक है ना, तो किसी के हाथ पे भी नहीं जाना चाहिए, जो ऑनर है हॉस्पिटल का उनके पास होना चाहिए सेफ कस्टडी पे। शुड नॉट ओपन इंस्पेक्ट बाय द एनीवन, किसी के और के द्वारा नहीं खोला जाना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, लाइक कुछ भी चेंज ना हो, ठीक है, वन वे लिखा हुआ बस। एक्सेप्ट कुछ सिचुएशन है जिसमें ये कोई और पर्सन खोल सकता है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट खोल सकता है उसे, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट खोल सकते हैं उसे, और डिस्ट्रिक्ट जज खोल सकते हैं उसे। मैजिस्ट्रेट यू नो व्हाट दिस इज कोर्ट रिलेटेड टू द कोर्ट कचेरी, एंड फर्स्ट वन इज द चीफ सेक्रेटरी, मतलब ऑफिसर जो चेक इन रूटीन के लिए आते हैं वो खोल सकते हैं। रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू द एडमिशन ऑफ द वुमेन फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी शैल बी मेंटेन बाय द हेड ऑफ द हॉस्पिटल, जो हेड है हॉस्पिटल के वही उसमें कुछ लिख सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, सारा रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। In case of the employed woman whose pregnancy has been terminated, the RMP shall grant a certificate on demand in order to enable her to obtain leave from her employer. In case of the employed woman whose pregnancy has been terminated. So basically, इसमें कह रहा है कि जो वुमेन है जो टर्मिनेशन के लिए आई थी, ही इज़ अ वर्किंग वुमेन, ठीक है ना, तो अगर सब कुछ हो गया है, सब कुछ फुलफिल हो गया, टर्मिनेशन हो गया है, तो एक वो अप्लाई कर सकती हैं फॉर द लीव, मतलब वहाँ से जाने के लिए, ठीक है ना, बस सिंपल सही था। नो एंट्री रिगार्डिंग द नेम और एंट्री ऑफ द वुमेन शैल बी मेड इन एनी केस शीट, ऑपरेशन थिएटर रजिस्टर, फॉलो अप कार्ड और एनी अदर डॉक्यूमेंट और रजिस्टर एक्सेप्ट द एडमिशन रजिस्टर। बेसिकली क्या है, सिर्फ उसकी जो डिटेल है, ठीक है, वो बस एडमिशन रजिस्टर्ड में ही लिखा हो,
और उसके अलावा कहीं पर भी उसकी आइडेंटिटी नहीं लिखी हो, ये मेक श्योर करे, सिंपल लैमन लैंग्वेज में ये कहना चाह रहा था, ताकि उसको कोई पीछा करता हुआ ना आ जाए, क्योंकि ये एक एक पब्लिक वे में देखा जाए तो सवाल आ जाता है इमेज का, ठीक है ना। तो इसलिए सिर्फ एक ही जगह लिखा हो उसका डिटेल और बाकी कहीं पर भी ना लिखा हो। एनी रेफरेंस टू द प्रेगनेंट वुमेन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द सीरियल नंबर असाइंड टू द वुमेन इन द एडमिशन रजिस्टर। और एडमिशन रजिस्टर में भी नाम ना लिखा हो इतनी ईजली, बल्कि उसे एक नंबर से याद रखा जाए, ठीक है, नंबर से याद रिकोगनाइज करा जाए, लाइक शी इज 2186 वुमेन विच इज़ गेम फॉर द प्रेगनेंसी। बाकी एक और रजिस्टर होगा जो मेन हेड के पास होगा, उसमें सारी डिटेल होगी। एवरी एडमिशन रजिस्टर शैल बी डिस्ट्रॉयड ऑन द लैप्स ऑफ 5 ईयर, हर 5 साल में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट एंट्री इन द रजिस्टर, ठीक है, हर 5 साल में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अदर पेपर शैल बी डिस्ट्रॉयड ऑन द लैप्स ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी कंसर्न अनलेस अदरवाइज डायरेक्टली, जब तक उसको मंगाया ना जाए, तो जो भी फालतू के डॉक्यूमेंट्स है जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हर 3 साल में डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, अनलेस किसी ने उसको मंगा रखा है, बड़े ऑफिसर है, वो अलग बात है। ऑफेंस और पेनल्टीज क्या है, बहुत सारे लिख सकते हो आप बना के भी, सिंपल सा दो बता दूँ। टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द पर्सन अदर देन आरएमपी, ठीक है ना, कोई भी आरएमपी नहीं है फिर भी वो टर्मिनेशन कर रहे हैं, या फिर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अदर देन, मतलब कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे प्लेस नहीं है वो टर्मिनेशन का, तब भी वहाँ पे हो रहा है, तो कम से कम 2 से 7 साल की जेल हो सकती है। एंड फाइन अप टू 1 to 3,000, वट एवर यू कैन वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट इट। विलफुल कॉन्ट्रीब्यूशन और विलफुल फेलियर ऑफ द कम्प्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रेगुलेशन, मतलब कुछ भी छेड़छाड़ करा गया या फिर उल्लंघन होता है चेकिंग करते वक्त, तो कम से कम 1,000 रुपये तक की फाइन देना पड़ सकता है आपको। सो द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस PDF, यू कैन हैव इट फ्रॉम देयर। आई विल अपलोड इट इन टू माई टेलीग्राम ग्रुप। सो आई होप यू